ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की गणपति स्पेशल फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस वीडियो में जितने भी अरुण पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो में मैं आप सभी को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यार आप सभी को अपने मॉडल को एक्चुअल में इस बैकग्राउंड में कैसे ऐड करना है, तो आप सभी को सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल आप कंप्लीट देखना। एंड हाँ गाइस, आप सभी ने यार मतलब कि आज के लिए वीडियो पे कमेंट करना यार बंद कर दिया, तो प्लीज यार ऐसा मत करो यार, क्योंकि यार कमेंट यार आप सभी के कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि यार मैं कोई वीडियो में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं मिस्टेक कर रहा होता हूँ तो यार उस चीज को मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेता हूँ। तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना यार, ठीक है? कमेंट करे बिना मत जाया करो यार, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना फिर यार, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज यार कमेंट जरूर कर देना। एंड हाँ गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे ऐसे कंटेंट हमेशा लाता रहता हूं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, मैंने आप सभी के लिए नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसमें गाइस मैं आप सभी को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर रिलेटिव टिप्स एंड ट्रिक बताता हूं, तो गाइस उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तब इजीली वीडियो देखने के बाद जाके उस चैनल को चेकआउट कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप सभी को पहले कहीं भी बैठ के इस पोज में से फोटो क्लिक करवा लेना है। देन गाइस, आप सभी को जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में लेके फोटो को, क्योंकि यार हम इसका बैकग्राउंड वहीं पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इस यहाँ से लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे। एंड इरेजर का साइज जो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, हार्डनेस को कैसे 90% रखना। एंड उसके बाद फोटो को यहाँ पे बिल्कुल जूम कर लेना अपनी, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल जितना आप चाहो। फिर उसके यहाँ से इरेज करना स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर उसके बाद गाइज, आप सबको चले जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, आप सबको जो भी अपने मॉडल का बैकग्राउंड रिस्क किया था आपको सिंपली उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद ऐड करने के बाद गाइज, आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको उसके साइज को कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है। एंड गाइज, यहाँ पे आप सबको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका मॉडल जो है गाइज ज़्यादा छोटा ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फोटो नकली लगेगी, इसलिए आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड इसकी ओपेसिटी आप सभी को कम करना है, क्योंकि गाइस ओपेसिटी कम करके अच्छे से इरेज हो पाएगा, तो हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, यहाँ पे हम इरेजर पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस को फुल करेंगे। एंड इसके बाद गाइस साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। फिर आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस, आपको जो फ्रंट का एरिया होगा आपको सिंपली इसको यहाँ पे अच्छे से एकदम प्यार से इरेज कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद गैस, आप सभी को रेज होने के बाद आप सभी इसको अपनी फोटो को लेकर चलना है इफेक्ट में। इफेक्ट मिल जाने के बाद गैस, आपको कलर सॉल ऑप्शन मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसको सिंपली क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा माइनस करना है इसका ब्राइटनेस 93 तक। एंड उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है, फिर दोनों मैच हो जाएंगे गैस बैकग्राउंड से आपका मॉडल भी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप सभी को सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली इसको डन कर देना है, क्योंकि गैस जितना आपको ज़्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत है नहीं हमें, तो यहाँ पर डन करते हैं। अब गैस, आप सभी से दोबारा ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गैस यहाँ पर आपको एक विग्नेट का पीएनजी दे दूंगा मैं। आपको उस विग्नेट पीएनजी को सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको यहाँ पे अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। फिर उसके यहाँ से लेके चलना है आपको लाइट रूम ऐप में, क्योंकि जो भी हमारी कलर करेक्शन होगी वहीं होगी लाइट रूम ऐप में, ठीक है। तो इसको हम लाइट रूम ऐप ले चलते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है। फिर उसके बाद जिसका कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जिसका हाईलाइट होगा इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है।
एंड जो शेडो होगी इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको व्हाइट को नहीं छेड़ना, आपको ब्लैक को बढ़ाना है थोड़ा सा। सो गाइस उसके बाद आप सबको चले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी आपको उसको बढ़ा देना है, टेम्परेचर को हल्का सा माइनस कर देना है, कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज सॉरी डार्क ब्लू का सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको चले जाना है ऐसे ऑरेंज कलर में, फिर उसके बाद आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो ल्यूमिनस होगा उसको बढ़ा देना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको येलो कलर को लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है, फिर सैचुरेशन को जो प्लस करना है, फिर आपको ग्रीन कलर लेना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। फिर उसका चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना है एंड आप सभी नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके बाद आपको चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको नॉइज रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली हमने जो फोटो जितने भी कलर रिटच थे हमने कर लिया एंड बैकग्राउंड पीएनजी भी लगा दिया। सो गाइस जैसा कि देखा आप सभी ने, हमने एकदम इजी स्टेप में अपने मॉडल का बैकग्राउंड से मैच भी कर दिया एंड गाइस हमने कलर रिटच करके हमने फोटो एकदम ऑसम तरीके से एडिट कर दिया। तो गाइस अगर आप लोग भी एक सेम फोटो का अगर एडिट करते हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप में से जो भी भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करता है मैं उसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे शॉर्ट आउट देता हूं। तो आपसे मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर टाइम होता है जाकर चेकआउट जरूर करना एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड अगर गाइस अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो गाइस इन दो वीडियो में साइड में जो वीडियो दिख रही है आपको इनमें से कोई भी एक वीडियो पर क्लिक करो या फिर आपको अगर चैनल पर जाकर वीडियो को देखना तो चैनल के लोगों पर क्लिक करके वहाँ पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।